हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या दिल्ली में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, ये सवाल खड़ा हो रहा है जिस तरीके से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है और जो उपराज्यपाल आवास पर जो बैठक हुई है उसमें जो आंकड़े तथ्य पेश किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं आदेश गुप्ता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आदेश जी, दिल्ली सरकार कह रही है कि हालात जिस तरीके के हैं, मौजूदा हालात 31 जुलाई तक 5.5 लाख तक मामले पहुंच जाएंगे, क्या हालात वाकई में बेकाबू हो गए हैं? स्थिति बहुत चिंताजनक है और दिल्ली की अजीब सरकार है जो स्थिति को काबू नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी जब काबू नहीं कर पा रहे तो आप मुद्दों को भटका रहे हैं। आप काम करिए, जमीन पर काम करने की जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों की जो जरूरत है, लोगों का टेस्ट नहीं हो रहे, लोग बीमार हैं, लोग परेशान हैं, तड़प रहे हैं। बड़ा दुख होता है जब लोग इलाज नहीं करा पाने की वजह से जिनके जिन संबंधियों की, जिन लोगों की मौत हो रही है और जो 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 जिनको बीमार हो गए उनको इलाज नहीं हो रहा है। आज ही मेरे पास एक महिला आई जिनका इलाज नहीं हो पा रहा, जिनको तकलीफ है लेकिन टेस्ट नहीं हो पा रहा। तो दिल्ली सरकार को वो काम करने की जरूरत है। सरकार कह रही है कि अगर ये हालात बने रहे, 5.5 लाख केसेस हो गए तो, और दिल्ली में बाहर से लोग आ गए तो इंतजाम कहाँ से होगा? और एलजी साहब से भी के सामने उन्होंने आज फिर से ये मुद्दा उठाया था। ये सिर्फ बहानेबाजी के सिवा और कुछ नहीं है। एक बिल्कुल सीधा सवाल है, जब दिल्ली में इतने हालात खराब हैं, आज मैं आपको ये बताऊं कि कहीं भी दिल्ली का व्यक्ति चला जाए तो सबको शंका की दृष्टि से, ऐसे में दिल्ली कौन आना चाहता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ठीक नहीं है, दिल्ली कोई नहीं आना चाहता है। केजरीवाल जी, कोई दिल्ली में नहीं आ रहा है, आप दिल्ली वालों का इलाज करिए, आप बातें मत बनाइए, दिल्ली वालों का इलाज करिए। में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो रहा है, क्योंकि सचिन जैन कह रहे हैं कि बहुत सारे दिल्ली में ऐसे मामले हैं जहां पर कांटेक्ट ट्रेस नहीं हो रहा, और ये तो यही दिखाता है अगर कांटेक्ट ट्रेस नहीं हो रहा है इसका मतलब कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, हालांकि केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। अभी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आई उसमें अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, और हम लोग सावधानी बरतेंगे तो दिल्ली को कोरोना से बचा सकते हैं और बचाएंगे भी। बस एक आखिरी सवाल, आप लोग जो है उपराज्यपाल के पास पहुंचे, क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप या कुछ सुझाव भी जिससे कि दिल्ली को बचाया जा सके? बिल्कुल, हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं। एक तो जो उन्होंने दो काम किए हैं, दो फैसले जो हैं जो दिल्ली सरकार ने लिए थे, उसके लिए उनको आभार और धन्यवाद भी दिया है। दूसरा, कोरोना महामारी से बचाने के लिए जिस तरह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप बड़े लेवल पे आइसोलेशन वार्ड बनाइए, बेड बढ़ाइए, बड़े सेंटर स्टेडियम वगैरह लीजिए, क्वारंटाइन सेंटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कीजिए, पब्लिक हेल्थ से जुड़े वॉलंटियर बनाए जा सकते हैं सरकार की ओर से, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी सेवा की। और दूसरा, जिस तरह से उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बहुत बड़े लेवल पे जो बिलिंग हो रही है तो उसकी कैपिंग होनी चाहिए। ये बहुत बड़े जो लोग परेशान हैं, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही कि ऐसे समय में तो सरकार को उनको फ्री करना चाहिए इलाज। यानी साफ तौर पर दिल्ली के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का ये कहना है कि इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए, जबकि दिल्ली सरकार खुद जो है अपनी जवाबदेही से बचने के लिए, उसको पता है कि हालात बेकाबू हो रहे हैं, इस वजह से इस तरीके से अनर्गल बातें कर रही है, जबकि जरूरत इस वक्त ये है कि दिल्ली में हालात बिगड़ने से रोका जा सके। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।